राहुल कंवल हमारे सहयोगी इस समय आ गए हैं हमारे साथ कुछ ग्राफिक्स के जरिए, कुछ मैप्स के जरिए, नक्शों के जरिए। राहुल कंवल हमारे दर्शकों को ये समझाने की कोशिश करेंगे कि असल में कल रात को जो घटनाक्रम हुआ वो किस इलाके में हुआ, वहां की मौजूदा परिस्थिति क्या है और पिछले 1.5 महीने से चल क्या रहा है एलएसी पर। राहुल कंवल बताइए। बहुत हफ्तों से हमारे तमाम आज तक पर दर्शक ये सुन रहे हैं कि गलवान घाटी में इस वक्त भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। कल रात को दोनों के बीच में हिंसा हुई और पिछले करीब 50 साल में पहली दफा वहां पर एक सेनानी की मौत भी हुई, एक अफसर और दो हमारे जो जवान हैं उनकी मौत हुई। आइए हम अपने दर्शकों को दिखाते हैं कि दरअसल इस वक्त चल क्या रहा है। ये ओवरऑल मैप है जम्मू और कश्मीर का। ये जम्मू और कश्मीर का इलाका है, यहाँ पर जम्मू और ऊपर कश्मीर घाटी। ये जो काली लकीर आप देख रहे हैं ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, यानी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच की इस वक्त की बाउंड्री है। इस तरफ पर भारत की सेना है, वहाँ पर पाकिस्तान की सेना। ये है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का इलाका। इस वक्त जो एक्शन हो रहा है वो कुल मिला के लद्दाख के इलाके में हो रहा है, जो कि अब भारत ने एक यूनियन टेरिटरी बना दी है। ये है अक्साई चीन का इलाका, हिंदुस्तान की सरजमीन जिस पर इस वक्त चीन का अवैध कब्जा है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के बहुत नज़दीक है गलवान फेस ऑफ पॉइंट, जहां पर मैं आपको अभी लेके चलने वाला हूं। आइए अब हम अपने अगले मैप पर आते हैं। तो ये है ले, जो कि लद्दाख की राजधानी है। ये वहाँ की, अगर आपने फिल्में देखी हों बॉलीवुड की कई सारी, या कभी आप सैर सपाटे पे लद्दाख गए हों तो आपने हेमिस मॉनेस्ट्री देखी होगी। तो वहाँ से होते हुए यहाँ पर शुरू होती है दारबुक से दौलत बेग ओल्डी की सड़क। 323 किलोमीटर लंबी ये सड़क है, करीब पिछले 15 साल से बन रही थी और इसी सड़क को लेकर कहा जाता है कि चीनी फौज और चीनी सरकार बहुत परेशान है इस वजह से, क्योंकि दौलत बेग ओल्डी सब सेक्टर नॉर्थ में पड़ता है। स्ट्रेटेजिकली ये बहुत ही एक अहम हिस्सा है भारत का और यहाँ तक इस वक्त कोई सड़क नहीं थी, तो आप सोचिए वहाँ पहुँचने में कई दिनों तक वॉकिंग करके, ट्रैकिंग करके भारत की आर्मी को जाना पड़ता था। अब चूंकि हमने ये सड़क बना दी जो कि पिछले साल इनॉग्रेट हुई थी, कम्प्लीट हुई थी, इस वजह से हम काफ़ी हद तक अपने जो आर्मी है, हमारे जो कॉन्वॉयज़ हैं, उनको सीधे सीधे दौलत बेग ओल्डी, जिसको सब सेक्टर नॉर्थ कहा जाता है, वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। ये जो आप लाल रंग की लकीर देख रहे हैं ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। अब मजे की बात तो ये है कि पेंगोंग सेक्टर में यहां पर दो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, एक भारत का परसेप्शन की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है और एक चीन का परसेप्शन। लेकिन जहां पर ये क्लैश हुआ वहां पर तो कोई दो परसेप्शन है ही नहीं, एक ही लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है और उस इलाके में फिलहाल ये जो कॉन्फ्रंटेशन है भारत और चाइनीज आर्मी की वो हुई है। ये नीली लकीर जो है ये गलवान नदी को दिखाती है। ये जो सड़क बनी है ये शोक नदी के किनारे किनारे है। शोक को कहा जाता है रिवर ऑफ डेथ, यानी कि मौत की नदी। मौत की नदी इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कई सदियों पहले जो लद्दाख से ट्रेडर्स थे, जो चीन से ट्रेडर्स थे, वो शिनजियांग जाया करते थे इसी नदी के साथ साथ। और यहाँ पर गर्मियों में खास तौर से पानी का बहाव इतना तेज़ हो जाता है कि जो भी सड़क किनारे बनती है वो धुल जाती है, उसके ऊपर पानी आ जाता है और कई सारे जो ट्रेडर्स हैं वो नदी में गिर के मर जाया करते थे। इस वजह से शोक की नदी को रिवर ऑफ डेथ कहा जाता है, मौत की नदी कहा जाता है। बड़ी मुश्किल से भारत ने ये सड़क बनाई जिसको BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। आइए अब हम थोड़ा और नज़दीक चलते हैं। तो ये मैंने आपको दिखाई थी DSDBO सड़क, यानी कि दारबुक शोक दौलत बेग ओल्डी रोड। काफ़ी हद तक फसाद इसी को लेकर है। ये जो नीली लकीर आप देख रहे हैं ये शोक नदी है, यानी कि रिवर ऑफ डेथ, मौत की नदी, जो कि किनारे किनारे चलती है। सर्दियों में ये नदी जम जाया करती है, तो सर्दियों में जो काफिले निकला करते थे ट्रेडर्स के वो इस नदी के साथ साथ चले जाया करते थे शिनजियांग की तरफ। गर्मियों में यहाँ पर ट्रैवल करना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर दो ITBP के पोस्ट हैं। अब मैं आइए आपको दिखाता हूँ कि चीन की तरफ क्या चल रहा है। ये है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइनीज आर्मी को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहा जाता है, उसका ह्यूविशियन बेस, जो उनका मेन बेस है इस इलाके में वो यहाँ पे है। उस बेस के दो पोस्ट हैं, चाइनीज पोस्ट 1, चाइनीज पोस्ट 2, जो कि गलवान नदी के साथ साथ हैं। 2016 में चीन ने लगभग इस इलाके तक एक सड़क बना ली थी जो कि सैटेलाइट पे नज़र आ रही है, पक्की सड़क है, यानी कि तार बिछी हुई है, उसके आगे कच्चा रास्ता जाता है। तो अप्रैल के एंड में और मई के शुरुआत में क्या हुआ कि इस चाइनीज पोस्ट 1 और चाइनीज पोस्ट 2 से गलवान नदी के साथ साथ जो चाइनीज आर्मी का दस्ता है वो इस कच्चे रास्ते के चलते 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 यहाँ पर आ गया। इसको कहते हैं PP14, यानी पेट्रोलिंग पॉइंट 14, जो कि बहुत हद तक गलवान और शोक नदी का जो संगम है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस है, उसके नज़दीक है। अमूमन
भारत की जो सेना है वो यहाँ पे है नदी के इस किनारे, यहाँ से हमारे दस्ते निकलते हैं और ये जो रिज लाइन्स है, पहाड़ों को रिज लाइन कहा जाता है, वहाँ पे जाके गश्त देते हैं क्योंकि ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो हमारे जो सैनिक हैं वो निकलते हैं, यहाँ तक आके गश्त करते हैं, यहाँ पे आके यहाँ पे गश्त करते हैं। लेकिन अब क्या हुआ है कि चाइनीज इस नदी के किनारे किनारे आके यहाँ पे डेरा जमा के बस गए। अब उसके काउंटर में इंडिया ने क्या किया, हमने पहले तो हमारे जो यहाँ पे पोस्ट पे अधिक जवान थे उनको आगे भेजा और साथ ही साथ मिरर डिप्लॉयमेंट किया। मिरर मतलब आईना। तो जितने चीन ने वहाँ पर हथियार बरामद किए, जितने चीन ने वहाँ पे हथियार डिप्लॉय किया, वो चाहे आर्टिलरी हो या इन्फेंट्री हो या मोर्टार हो, उसी तादाद में भारत ने भी इसी इलाके में जो मैं आपको इस वक्त नक्शे पे दिखा रहा हूँ वहाँ पर इंडिया ने अपनी आर्मी डिप्लॉय कर दी। अब जो 6 जून को बातचीत हुई कोर कमांडर्स के बीच में, उसमें ये फैसला हुआ कि डिसइंगेज किया जाएगा, यानी कि चाइनीज आर्मी वापस जाएगी। आइए मैं आपको आखिरी मैप पे लिए चलता हूँ, ये रहा। अब कुल मिला के मसला ये है, ये मैंने आपको दिखाया, ये है गलवान नदी, ये यहाँ पे आके शोक नदी से मिली, ये बहुत अहम जगह है, पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस इन दोनों के बीच में, और यहाँ पे है पेट्रोल पॉइंट 14। तो ऐसा नहीं है कि चाइनीज आर्मी हिंदुस्तान की सरजमीन पे आ गई है, ऐसा नहीं, इसको आपको नहीं समझना है। लेकिन जो बॉर्डर का इलाका है वहां पर उसने बहुत बड़ी तादाद में अपने हथियार, अपनी सेना को इकट्ठा कर दिया है, जमा कर दिया। उससे हमें परेशानी क्यों है? परेशानी इस वजह से है कि हमारे जो ये सड़क है, आपको अगर याद होगा हम लोगों की करगिल की जो रिपोर्टिंग हुआ करती थी, उस पर करगिल और द्रास के शहर के ऊपर जो नेशनल हाईवे था उसके ठीक ऊपर चोटी पर चीन ने अपनी आर्टिलरी बिछा रखी थी। उससे क्या होता है कि जैसे ही भारत का कोई कॉन्वॉय या काफिला सेना का निकलता था, या वो पत्रकारों का हो या आर्मी का हो, तो पाकिस्तानी आर्मी उस पर टारगेट किया करती थी क्योंकि आपको आती हुई दिखती है गाड़ी, तो उस पर आप हमला कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर ये जो हमारी DSDBO रोड है इस पर चाइनीज आर्मी हमला करने लग जाए, क्योंकि अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं, फौज में समझिए, अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं तो आप मजबूत हैं, अगर आप नीचे बैठे हैं तो आपको खतरा है क्योंकि ऊपर से आप पर गोली आ सकती है, गोला आ सकता है, ये प्रॉब्लम है। तो अगर आप पहाड़ पे बैठे हैं तो उसमें आपको एडवांटेज मिलता है, और अगर आप इन रिज लाइन्स को डोमिनेट कर लेते हैं, जो कि अगर चाइनीज आर्मी यहाँ पे आके बैठ जाती है तो वो ये DSDBO रोड को डोमिनेट कर लेती है। हालांकि सबसेक्टर नॉर्थ जो कि मैंने आपको आगे दिखाया था, एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये दौलत बेग ओल्डी की दिशा में हम लोग एक सड़क और बना रहे हैं, लेकिन इसी सड़क को बनाते बनाते करीब 2 दशक लग गए, तो उसको बनाने में तो अभी बहुत टाइम लगेगा, इसलिए ये सड़क बहुत ही स्ट्रेटेजिक रोड है। कुल मिला के 61 स्ट्रेटेजिक रोड्स को इस वक्त हिंदुस्तान बना रहा है BRO के जरिए, और करीब 11,000 जो श्रमिक है उनको झारखंड से स्पेशल ट्रेन में लद्दाख सेक्टर की तरफ, उत्तराखंड सेक्टर की तरफ भेजा गया है। चाइना ने क्या किया कि पिछले करीब 2 दशक में बॉर्डर रोड्स को बहुत डेवलप किया, एडवांस किया, जैसे मैंने आपको दिखाया, ये आप सड़क देखिए, ये चाइनीज ने 2016 में ही कंप्लीट कर ली थी, तो उनकी ये पक्की रोड है। अब उनको तकलीफ क्या है कि जब हिंदुस्तान ये सड़क बनाता है तो कह रहे हैं कि सड़क क्यों बनाओगे आप, जबकि हिंदुस्तान कहता है अरे भाई ये तो हमारी ज़मीन है, आप अपनी तरफ क्या करते हो वो आपकी प्रॉब्लम, हम अपनी तरफ क्या करते हैं वो हमारी मर्जी। तो चाइनीज़ जो अधिकारी हैं, जो उनका मिलिट्री है, वो कहता नहीं हम आपको सड़क बनाने देंगे। अब भारत ने बड़ा ही क्लियर पोजीशन लिया है कि चीन जितना भी डराए धमकाए, हम अपनी सड़क तो बनाएंगे ही। अब हाल में इस इलाके में तकलीफ क्यों हो रही थी, क्योंकि ये जो सड़क है ये नदी के इस किनारे है, और यहाँ से अगर आपको जाना हो, हालांकि मैप पे तो बहुत छोटा दिख रहा है लेकिन ज़मीन पर ये काफ़ी लंबा रास्ता है, इसको तय करने में काफ़ी दिक्कत होती थी। तो इस गर्मी में हमने इस इलाके से एक सड़क बनाना स्टार्ट किया ताकि हम भी ये पेट्रोल पॉइंट 14 तक एक सड़क बन जाए। चाइनीज़ उस पर ऑब्जेक्ट कर रहे हैं कि अरे हम आपको यहाँ पर सड़क बना नहीं देंगे। तो अब जो हमारे पास खबर आ रही है वो ये कि जब चाइनीज़ आर्मी डिसइंगेज कर रही थी, यानी कि जब वापस जाने की तैयारी कर रही थी, तब एक कमांडिंग ऑफिसर कर्नल, जो कि भारतीय सेना का बहुत एक वरिष्ठ अधिकारी होता है, उनके पलटन के 2 जवान, उनकी मौत हुई इस इलाके में गलवान फ्लैश पॉइंट 14। और हमने जो कोशिश की पिछले कुछ मिनटों में वो ये समझाने की कि दरअसल चाइना की प्रॉब्लम क्या है, भारत की मांग क्या है। भारत ये चाहता है कि चीन वापस चले जाए। मैं आपको मैप पे वापस लेके जाता हूँ कि भाई आप यहाँ से आए, चाइनीज़ पोस्ट 1, चाइनीज़ पोस्ट 2, आप वापस जाइए, ये जो आप आगे आके जम गए हैं ये हमें मंजूर नहीं है, आपको वापस जाना है, आपको डिसइंगेज करना है। अब नियंत्रण रेखा जो कि लाइन ऑफ कंट्रोल है और लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, उसमें फ़र्क यह है कि नियंत्रण रेखा एकदम मार्क्ड आउट है मैप पे, दोनों देशों की सेनाओं ने, सरकारों ने तय किया है कि एग्जैक्टली लाइन ऑफ कंट्रोल कहाँ से जाती है, मैप पे साइन हुए तो आपको एग्जैक्टली मालूम है। अब ये जो लाइन है ये किसी नक्शे पे नहीं है जिसको दोनों आर्मीज ने माना हो, इस वजह से थोड़ी कन्फ्यूजन रहती है कि LAC कहाँ से निकलती है। इसी का फ़ायदा उठा के चाइनीज़ यहाँ पर आ गए। अब पहले भी कई मरतबा
हर साल लगभग, खासतौर से जब बर्फ़ पिघलती है और गश्त एक बार फिर से शुरू होती है, तो चाइनीज़ आर्मी और हिंदुस्तानी आर्मी के बीच में पेट्रोलिंग के दौरान कुछ ना कुछ भिड़न तो होती रहती है। लेकिन इस दफ़ा फ़र्क ये है कि सिक्किम के नाकुला से लेके, ला होता है पास, माउंटेन का पास जिस पर सड़क गाड़ी निकलती है, तो सिक्किम के नाकुला से लेके ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर पर अलग अलग जगहों पे, कम से कम 5 जगहों पे फ्लैश पॉइंट क्रिएट हो गया है चाइनीज़ और इंडियन आर्मी एकदम आमने सामने। और ऐसा कहा जा रहा है कि ये काम कोई लोकल चाइनीज़ मिलिट्री कमांडर नहीं कर सकता, ये काम केवल तभी हो सकता है अगर जो PLA है, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ यानी कि शी जिनपिंग को डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, अगर उन्हीं की हरी झंडी मिली हो तभी ये हो सकता है। और एक तरफ ये प्रधानमंत्री मोदी के साथ झूले झूल रहे थे मल्लापुरम में, मंदिरों के इर्द गिर्द सैर सपाटा कर रहे थे, उनके दर्शन कर रहे थे, और यहाँ पर चाइनीज़ आर्मी बदमाशी करी जिसका इंडियन आर्मी जवाब देने की कोशिश कर रही।